GS Herbal होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिले एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं, हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमा इकराम, हुफाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। सानी इंटरनेशनल हज उम्रा टूर्स एंड ट्रेवल्स। हज उम्रा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें। और आप, आपका नाम? मेरा नाम अशफाक है। पूरा नाम क्या? अशफाक अहमद। हमजान साहब, एड्रेस भी आपने। कहाँ रहते हैं आप? मैं सांता क्रूज में रहता हूँ। आपका ब्रांड है? आप माड़ा? माड़ा, माड़ा चिमन माड़ा चिमपुर, पूरा माड़ा चिमपुर। आप बोलिए, आप अपना मौकिल बता दो। मैं शकील इब्ने हनीफ को ईसा इब्ने मरियम और इमाम मेहदी मानता हूँ। जोर एक बुक हाँ मैं मानता हूँ। आप बोलो। मैं शकील इब्ने हनीफ, ईसा इब्ने मरियम को मानता हूँ और इमाम मेहदी भी मानता हूँ। इमाम मेहदी भी मानता हूँ। आप भी जो रिपीट कीजिए। मैं इमाम मेहदी और ईसा के साथ मानता हूँ। किसको? मोहम्मद शकील इब्ने हनीफ साहब साहब को। हाँ, और मैं भी मोहम्मद शकील इब्ने हनीफ साहब को, ईसा अलैहि सलाम, इमाम मेहदी दोनों मानता हूँ। और आपका आमिर कौन है? आपने अभी बोले थे शुरू में कि मेरे अमीर है। किससे सुन करके बताना कौन देखो गाइड कर रहा था? नाम बता दे। तो नाम क्या है? वही तो नाजिल नहीं होती है। तो नाम आपको नाम बता दो। बोल देना, जब हक पर है तो क्या मसला है? बोल देना। मैं बोल रहा हूँ यही है। आपने पहला उसको यही है, मैं गारंटी दे रहा हूँ। है वो यही है। इसको बोलने देना कौन गाइड किया है, कैसे बैंड्रा से आके इधर क्या कर रहे हैं? अच्छा, आप लोग को क्या मतलब कुछ लालच है पैसे की? क्या है जॉब भी किया है? ये लड़का इनके यहाँ जॉब भी किया है, ये खुद बताया है। ये लड़का इनके यहाँ जॉब भी किया है। अच्छा, आप एहतिकाफ छोड़ के जा रहे हो? अपनी मर्जी से जा रहे हैं, बिना परमिशन के बैठे भी थे, बिना इन्फॉर्म किए हुए मस्जिद को। नहीं नहीं, ये बात नहीं, हम तो हमने पर ये हम शकील बिन हनीफ को मानते हैं, ये हम एहतिकाफ से पहले नहीं बोले थे। इस पे हम वाकई बैठे हैं, अभी आपको मालूम पड़ा तो हम जा रहे हैं। हमारे पर कोई नहीं, कोई फोर्सफुली कुछ किया नहीं, हम जा रहे हैं। हाँ, ऐसे वक्त में एहतिकाफ में बैठते हैं, किसी को कोई कन्फर्मेशन नहीं दी थी, और फिर हम यहाँ से अभी एहतिकाफ छोड़ के जा रहे हैं, और इन्होंने हमको कोई तकलीफ नहीं दी। हम लोग एहतिकाफ में बिना बताए बैठे बोल के बैठे थे, लेकिन हम लोग ने ये नहीं बताए थे कि शकील बिन हनीफ को हम लोग मानते हैं, बट हम लोग मानते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं, हम लोग लोगों लोग ने कोई फोर्स नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, नाज़रीन किराम, मैं सुफियान अहमद सरफी, इमाम खतीब, मस्जिद अल-अक्सा दारुस्सलाम, वाशी नाका, चैम्बूर से। यहाँ तीन अहबाब क्या कि एहतिकाफ में आकर के बैठे हुए थे, और इनके बारे में क्या कुछ नौजवान आकर के खबर किए कि ये लोग नौजवानों को टारगेट कर रहे हैं और ऐसी फैकी वैकी बातें बता रहे हैं पेशेंट गोइयों को लेकर के। और एक शख्स है बिहार के रहने वाला, शकील इब्ने हनीफ है, जो अपने आप को पहले तो उसने ईसा इब्ने मरियम होने का दावा किया था, फिर कुछ दिनों के बाद उसको एहसास हुआ कि नहीं, मैं ईसा इब्ने मरियम के साथ साथ मैं इमाम मेहदी भी हूँ। ये दोनों दावे करके क्या है कि इस वक्त वो जो है औरंगाबाद के अंदर रहता है, तो उसके मुतकदीन जो हैं, उसके मानने वाले जो हैं, इस वक्त क्या है कि हिंदुस्तान के बहुत सारे शोबों, बहुत सारे स्टेट के अंदर पाए जा रहे हैं। उन्हीं में से क्या है कि तीन लोग ये हैं जो हमारे सामने हैं, ये कई सालों से आकर के यहाँ पर एहतिकाफ में बैठा करते थे, लेकिन इनकी हकीकत क्या थी किसी को मालूम नहीं थी। कुछ नौजवानों के ज़रिए से पता चला कि इनके अंदर ऐसी कुछ चीज़ें पाई जा रही हैं। उसके बाद फिर क्या है कि मैं सुफियान अहमद सरफी, मैंने इनके ऊपर थोड़ा नज़र रखना कोशिश, मैं इन पर नज़र रखी कि आखिर इनकी हकीकत है क्या। ये साहब हैं हमजा भाई, मैंने इनके ज़रिए से जब इनसे बात किया, मैंने कहा कि भाई शकील इब्ने हनीफ को आप क्या मानते हो? पहले तो इनके चेहरे की हवा ही बदल गई, रंग ही बदल गया कि आखिर क्या पूछ लिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे इतराफ़ करते करते इन्होंने ये कहा कि मैं शकील इब्ने हनीफ को जो है, हो सकता है कि इमाम मेहदी हो। फिर बाद में इन्होंने खुद इतराफ़ भी किया, उसकी आई टी वीडियो भी सामने मौजूद है, इन्होंने इतराफ़ भी किया कि हम लोग मानते हैं।
तो ये तीनों शख्स जो है बगैर इन्फॉर्म किए हुए कि हम शकील इब्न हनीफ को, ईसा इब्न मरियम और इमाम महदी मानते हैं, इस मस्जिद के अंदर बैठे थे, आज यहाँ से एतकाब से निकल करके जा रहे हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आज बिलखसूस नौजवानों से कि ईसा इब्न मरियम कौन है, शकील इब्न हनीफ का फितना क्या है, इससे आप ज़रूर बाखबर रहिए। ईसा इब्न मरियम क्या है कि आसमान दुनिया से नज़ूल होंगे, इमाम महदी का ज़माना कुछ और है, वो मक्के मुकर्रमा के अंदर क्या है कि उनका ज़हूर होगा, मदीना के अंदर उनकी पैदाइश होगी, और ये शख्स जो है शकील इब्न हनीफ है, बिहार के अंदर पैदा हुआ, दिल्ली के अंदर काम करता था, और आज क्या है कि पूरे मुल्क के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर अपना फितना फैला रहा है। बस गुजारिश ये है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और नौजवानों तक ज़रूर पहुँचाइए, ताकि क्या है कि शकील इब्न हनीफ के फितने से महफूज रहे। और ये तीनों शख्स है वाशी नाका के लोगों से, मैं बिलखसूस मुंबई के लोगों से मैं कहूँगा, ये तीनों शख्स कहीं भी नजर आएँ, इनके फितने से खुद भी बचिए, दूसरों को भी बचाइए, इनसे किसी भी किस्म की कोई गुफ्तगू मत कीजिए। ये तीनों की तीनों क्या है कि फितना परवर हैं और फितना फैलाने वाले लोग हैं। उम्मीद है कि आप इस पर तवज्जो देंगे, अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए, कुरान सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक दे। कासमी हज उमरा टूर्स एंड ट्रेवल्स, हज उमरा और दीगर मुकद्दस मुकामात की जियारत का भरोसेमंद मरकज। हज उमरा जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर कॉल करें।